दोस्तों ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स बेसिकली गरीब लोग होते हैं और उनके दिमाग में इस तरह के सवाल हमेशा उछल कूद किया करते हैं कि क्या इनके पास कोई काम नहीं है, क्या ये मेहनत करके खा नहीं सकते वगैरह वगैरह। और अगर आप भी इसी तरह के विचार रखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी सोच बदलने वाली है, जहां पर हम आपको ये दिखाएंगे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स किसी से भी कम नहीं होते। और ये जरूरी नहीं कि हर कलाकार को बड़ा मन चाहिए, कलाकार कहीं पर भी अपनी कला दिखाने में पीछे नहीं रहता। जैसे कि हमारी इस वीडियो के इन परफॉर्मर्स को ही ले लीजिए। दोस्तों जब कभी भी हम अलादीन का नाम सुनते हैं तो जिनका नाम उसके साथ ही हमें सुनाई देने लगता है, हाँ दोस्तों वही जिन जो चिराग से निकलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि उसी जिन को लोग आइडिया में बदल देते हैं और कुछ ऐसा तैयार करते हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। जैसे कि आप इस स्ट्रीट परफॉर्मर को ही देख लीजिए। हम आपको बता दें कि इस तरह से चिराग से निकलता हुआ आदमी सबसे पहले वॉलंटियर नाम के एक आर्टिस्ट के ग्रुप ने परफॉर्म करके दिखाया था, और उसके बाद सन 2011 में दो भाइयों ने इसी तरह का एक फ्लाइंग कैरेक्टर निकाला जिसे उन्होंने पार्क में परफॉर्म किया। दोस्तों किसी इंसान को इस तरह से उड़ता हुआ देख के लोग काफी हैरान हुए और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को इटालियन स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद से तो अब ये लोग पूरी दुनिया में अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों वाकई में आसमान में होता हुआ ये जिन का कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा एक्साइट कर देता है। दोस्तों कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कुछ परफॉर्मर्स शांति से अपना काम करते हैं और लोग खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि आप हमारे इन स्ट्रीट परफॉर्मर्स को ही देख सकते हैं जो अपनी पूरी बॉडी पर पेंट लगाकर एक स्टैचू का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि आप इन जनाब को ही देख लीजिए। अब जैसे हमें इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इंटरनेट पर इन्हें रशिंग मैन कहकर बुलाया जाता है और ये वाकई में शानदार हैं। दोस्तों सच में किसी इंसान का इस तरह का स्टैचू लोगों को हैरान करने के लिए काफी है, जहां ये स्टैचू इंसान के नेचर को दर्शाता है कि किस तरह इंसान को न चाहते हुए भी ऑफिस जाना पड़ता है। दोस्तों आपको सड़कों पर परफॉर्म करने के लिए जो चीज चाहिए वो है आइडिया, ताकि आपकी यूनिकनेस से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और बेसिकली एड चाइना नाम के इस व्यक्ति के पास आइडिया का भंडार खुला है। ये एक मैकेनिक है जो कई सारे टीवी शो में काम कर चुके हैं, और उसके साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। लेकिन शायद आप कभी गेस भी ना कर पाए कि ये किस तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं। दोस्तों ये सबसे तेज बेड चलाना, सबसे तेज शॉपिंग ट्रॉली चलाना, उसके साथ ही सबसे तेज रफ्तार में टॉयलेट को भी चलाने का रिकॉर्ड इनके पास है। जी हाँ दोस्तों, इनका असली काम किसी भी चीज में इंजन फिट करके उसे चलाने का है, और ये इसी चीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और अब तो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, उसके साथ साथ इनकी एक बुक भी लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों ये सब कुछ 1998 से शुरू हुआ, जब इन्होंने दुनिया में सबसे तेज सोफा चलाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस सोफे को चलाया था। हालांकि उस रिकॉर्ड को बाद में इन्होंने ही तोड़ दिया, और अब वो सोफा एक व्हीकल की तरह पूरे शहर में घूमता है, जिसमें इन्होंने अपनी सुविधा के सारे सामान लगा रखे हैं। और जब भी ये अपने इस अनोखे सोफे पर निकलते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। दोस्तों एक स्टैचू की तरह खड़े होकर परफॉर्म करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग इसे इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि इन्हें देखकर ही दिल खुश हो जाए। अब जैसे कि आप हमारे इस स्ट्रीट परफॉर्मर को ही देख लीजिए, जिनका नाम स्टीवन मॉर्टेंसन है, और ये टिपिकल कॉमिक कैरेक्टर की तरह लगते हैं, जहां ऐसा लगता है कि इन्हें पेंसिल से बनाया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले ये स्ट्रीट परफॉर्मर कई सालों से स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जहां पर ये लिविंग स्टैचू बनने के लिए जाने जाते हैं। और अगर आपको इनकी कला का और कोई भी नमूना देखना है तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जहां ये लगातार अपना टैलेंट शोकेस करते रहते हैं। जब आप छोटे होंगे तो हमें पूरा यकीन है कि आप ट्रांसफॉर्मर जरूर बनना चाहते होंगे। अरे दोस्तों आप क्या, हम सभी यही चाहते थे कि हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट में बदल जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब जैसे कि आप हमारे अगले स्ट्रीट परफॉर्मर को ही देख लीजिए। जी हाँ, येलो कलर के कपड़ों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो एक स्ट्रीट परफॉर्मर है, जो अपने आप को एक कार में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और ऐसा करने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगता। और हाँ दोस्तों, जब ये कार की तरह चलते हैं तो कोई भी देखकर ये कह ही नहीं सकता कि ये कार नहीं है, बल्कि कोई इंसान इसे चला रहा है। हम आपको बता दें कि इस तरह की कार बनाने में
इन्हें $800 और 5 हफ्तों का समय लगा था, तब जाकर इन्होंने इस तरह की शानदार कार तैयार की जो न ही पेट्रोल से चलती है और न ही डीजल से। बस ये जमीन पर लेट गए और कार चलना शुरू। दोस्तों कुछ भी हो, एक फिल्म से लिया गया ये आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, ये भला किसने सोचा था। क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद ये ना सिर्फ स्ट्रीट परफॉर्मेंस तक सीमित हैं, बल्कि अब तो अपने शहर के सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों अब आप जरा अपनी नजर इन चचा पर डालिए, जिनकी उम्र इनके टैलेंट से बहुत ही ज्यादा छोटी है, और इनके पास एक दो टैलेंट हो तो हम आपको बताएं भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े जगलर हैं जो किसी भी चीज के साथ खिलौने की तरह जगलिंग कर सकते हैं। डैनियल मेलेंडेज नाम की ये शख्स पियानो जगलर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हर जगलर की तरह इन्हें भी अपने काम में बेस्ट होना है। और जाहिर सी बात है कि ये टोपी घुमाने से लेकर बॉल नचाने तक का काम भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट को एक स्टेप आगे ले जाने की सोची, जिस वजह से इन्होंने बॉल को जगलिंग करके पियानो बजाने का एक अलग ही तरीका लोगों के सामने रखा, जिसमें इनके द्वारा बजाए गए पियानो की धुन भी लाजवाब है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए कि ये कितना लाजवाब म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी सिर्फ बॉल से। हम आपको बता दें कि इस काम में महारत इन्होंने एक रात में हासिल नहीं की, बल्कि ये 11 साल की उम्र से जगलिंग कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिया ताकि ये इस काम के मास्टर बन सकें, जो कि आज हैं भी, जहां ये अब कई सारे कंपटीशन में भाग लेने के साथ साथ कई स्टेज परफॉर्मेंस और पार्टी में भी परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने खुद की वेबसाइट भी बना रखी है, जिसके थ्रू इन्हें लोग हायर करके इन्हें पार्टी वगैरह में परफॉर्म कराते हैं। दोस्तों सॉकर का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ हर कोई बॉल को लेकर तरह तरह के करतब करने में लग जाता है। लेकिन अब हम आपको जिन जनाब से मिलवाने वाले हैं, उनकी बात ही अलग है। आये ट्रॉर नाम के इस सॉकर प्लेयर ने अपने गांव में एक गोल कीपर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन इनका टैलेंट तो कुछ बड़ा करने का था, इसी वजह से इन्होंने अपना रुख पेरिस की तरफ किया और ये वहाँ पर सॉकर खेलने लगे, और उसके बाद ये कई सारे कॉम्पिटिशन भी जीते थे। लेकिन इनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आया ट्रॉर शुरू से ही लोगों को अपने टैलेंट से एंटरटेन करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा तरीका स्ट्रीट परफॉर्मेंस का चुना, जहां पर ये अब पेरिस की गलियों में अपने शानदार सॉकर प्लेयर के टैलेंट को दिखाते हैं। और अपने इसी टैलेंट की वजह से ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, और अभी भी ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। दोस्तों अब आप जिस स्ट्रीट परफॉर्मर से मिलने वाले हैं, उसके टैलेंट के तो आप दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, पीटर स्पैटिना नाम के इस म्यूजिशियन को लोग भले ही स्ट्रीट परफॉर्मर कहें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस वाकई में लाजवाब है, जहाँ ये अपनी परफॉर्मेंस देने में इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि ये कहाँ हैं। हम आपको बता दें कि पीटर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह इनके म्यूजिक के साथ साथ इनके इंस्ट्रूमेंट भी हैं, जहां ये 33 कांच के ग्लास में अलग अलग अमाउंट का पानी भरते हैं ताकि आवाज निकले, और बस फिर ये उन ग्लास को टच करना शुरू कर देते हैं, जिससे साउंड अपने आप ही निकलता है। हालांकि इनके टच करने का तरीका भी अलग है, इसी वजह से ये सब निकलता है। लेकिन अब आप ही सोचिए, भला किसने सोचा था कि कोई कांच के ग्लास से भी म्यूजिक बना सकता है, वो भी इतना अच्छा। हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह के स्ट्रीट परफॉर्मर्स वाकई में बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं। अब तक आप लोगों ने जितने भी स्ट्रीट परफॉर्मर देखे वो सभी काफी एंटरटेनिंग थे, लेकिन अब जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस हम आपको दिखाने वाले हैं वो एंटरटेनिंग के साथ साथ खतरनाक भी है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में रहने वाले इसाक हाउ अपनी शानदार परफॉर्मेंस से किसी को भी हैरान करने के लिए तैयार रहते हैं, जहां ये रिंग के ऊपर रोल करके लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। हम आपको बता दें कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक हो गई
तो काफी गंभीर चोट आ सकती है। लेकिन इनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर हमें तो नहीं लगता कि इनसे कोई चूक भी होगी। वैसे ये कभी भी स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने इस तरह की मेटल व्हील पर लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा, ये इस तरह की परफॉर्मेंस के दीवाने हो गए और इन्होंने इसे सीखना शुरू किया। और कुछ ही समय में ये इस काम में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि उसका अंदाजा आप इस वीडियो में साफ तौर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।